गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीजन 13-2024 मैच नंबर 12 रेड जुबली का मुकाबला बल्तिस्तान 11। रेड जुबली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। दोनों ओपनर पहला ओवर कराने के लिए अब्बास दौड़ना शुरू किया है एम्पायर क्रॉस की, और खेलना चाह रहे थे इमरान मलिक के जोरदार हिट करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुआ अच्छी गेंद अब्बास की जानिब से। जी नाज़रीन, इससे पहले खेले गए मैच में, मैच नंबर 11 में करगिल इंडिया ने बल्तिस्तान सेंगे को अच्छा 3 विकेट से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल की है। एक और अच्छी गेंद, काफ़ी हाइट सी, एम्पायर का इशारा वाइड। जी नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान सुपर लीग सीज़न 13-2024 7 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब्बास दौड़ना शुरू किया एम्पायर क्रॉस की, और खेला है मिड ऑन की जानिब और आउट होने का चांसेस फील्डर गेंद के नीचे, और ये बेहतरीन कैच किया है जाफर ने। इसी के साथ पहला विकेट पहला झटका देने में कामयाब बल्तिस्तान 11 की जानिब से रेड जुबली का पहला विकेट गिर गया है। जी नाज़रीन, आज रेड जुबली के कप्तान ने दोनों ओपनर भी चेंज किया था पहले ओवर के में विकेट गिराने में कामयाब। आप नया आने वाले बैट्समैन है बेग भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हिटर है, अच्छा खेलता है, और आज इन्होंने बैटिंग में टोटली जो ना कप्तान शेरुल्लाह ने टोटली बैटिंग लाइन में चेंज किया है। अब्बास दौड़ना शुरू किया है, सामने करेंगे बेग, और खेला है, और ये आउट होने का चांसेस, और ये अनदर विकेट, एक और विकेट है, बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब। आज लगता है कि रेड जुबली भी जो ना बल्तिस्तान सेंगे की तरफ आते ही बैग ने बेन को उठा लिया था, तो इसी के साथ 2 विकेट गिराने में कामयाब पहला ओवर में। आते ही बैग ने एक जोरदार हिट करना चाह रहा था, तो 2 विकेट गिर चुके हैं रेड जुबली का। पहला ओवर के अख्ताम पर स्कोर हुआ है 8 2 विकेटों के नुकसान पर। अब्बास ने अच्छा 2 विकेट गिराने में कामयाब रेड जुबली की जानिब। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं रेड जुबली की टीम का, नया आने वाले प्लेयर है। बॉलिंग के लिए अब बुलाया है जाफर। जाफर दौड़ना शुरू किया है एम्पायर क्रॉस की, और खेलना चाह रहे थे। और अब्बास ने इससे पहले ओवर में 2 गेंदों पे 2 विकेट लेने में कामयाब है, अभी वो हैट्रिक चांस पे हैं, खेलना चाह रहे थे बेहतरीन बॉल। आज लगता है कि पहले मैच की तरह रेड जुबली भी थोड़ा सा अच्छा प्रेशर में नजर आ रहे हैं। दूसरा ओवर कराने के लिए तैयार है जाफर। जाफर दौड़ना शुरू किया है, खेला है, और ये आउट, अनदर विकेट, 3 गेंदों पे 3 विकेट गिराने में कामयाब रेड जुबली की, 3 गेंदों पे 3 विकेट गिराने में कामयाब। ये आज पता नहीं क्या हो गया है कि इससे पहले खेले गए मैच में बल्तिस्तान सेंगे के साथ जो हुआ है वही रेड जुबली के साथ हो रहा है। बल्तिस्तान सेंगे के साथ इससे पहले जो मैच में जो हुआ है वही सेम एज इट इट रेड जुबली के साथ हो रहा है। जी नाज़रीन, बल्तिस्तान सेंगे के साथ भी ऐसा हुआ था। अभी नया आने वाले बैट्समैन है इमरान जूनियर, अब देखना यह है कि इमरान जूनियर क्या अच्छा कारकर्दगी दिखाएंगे। 3 विकेट गिराने में कामयाब हुआ है, स्कोर हुआ है 8, और ये अपील, एम्पायर का इशारा वाइट, बेहतरीन डिसीजन एम्पायर का, बल्ला लगा था उधर पिच पे तो उसका सोन था, बेहतरीन एम्पायर का फैसला। अच्छी गेंद, इस वक्त बिल्कुल प्रेशर में है नजर आ रहे रेड जुबली। इस वक्त मैच का गिरफ्त बल्तिस्तान 11 के हाथ में है, 3 विकेट गिराने में कामयाब है अब तक। खेला है, पॉइंट की जरूरत, फील्डर के हाथ में, और ये ड्रॉप,
ओ माय गुडनेस, बेहतरीन आसान कैच था। हबीब ने आसान कैच छोड़ दिया है इमरान का और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। इमरान एक ऐसा प्लेयर है, अगर इनको चांस मिले तो, क्योंकि जो ना बैक दो मैचों में उन्होंने 50 किया है इमरान ने, तो आसान कैच हबीब ने अच्छा छोड़ दिया है। ले स्कोर बता दे यार, जाफर एक बॉल बाकी है। जी नाजरीन, स्कोर हुआ है 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और खेला है और फील्डर के थोड़ा सा आगे गिरा है। 2 ओवर के खत्म पर स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी नाजरीन, रेड जुबली ने टॉस जीतकर पहले अच्छा बैटिंग करने का फैसला किया है। 2 ओवर के खत्म पर स्कोर बनाया है 12 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। जी नाजरीन, और ये है हमारे अंसार भाई, आप कमेंटेटर जीबी टूनिस पर बड़ा हिरास कमेंट्री करने में मसरूफ। हम आपको औकाफ ग्राउंड कुवैत से बड़ा हिरास दिखा रहे हैं, और ये खेलना चाह रहे थे, एम्पायर का इशारा वाइट। कुवैत का खूबसूरत ग्राउंड आप हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देखें नाजरीन, और शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद है मैच देखने के लिए। इस ये डगोट जो आपको नज़र आ रहे जुबली रेड के डगोट पे काफ़ी खामोशी नज़र आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इनकी बैटिंग लाइन अभी काफ़ी है, अभी कप्तान शेरुल्लाह खुद तो आने को तैयार है, आप देख सकते हैं। मला हैदर काफ़ी मायूस है और काशिफ, और एक और विकेट गिराने में कामयाब, बॉल कर दिया है इमरान को। ओ माई गुडनेस, 4 विकेट गिराने में कामयाब। इस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इससे पहले जो मैच में बदसान सेंगे के साथ करगिल ने किया था, वही मैच अभी रेड जुबली के साथ साथ हो रहे हैं। 4 विकेट गिराने में कामयाब आप कप्तान शेरुल्लाह खुद ग्राउंड में आए हैं, आप इनके ऊपर कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मौजूद है। अगर शेरुल्लाह अगर कुछ ओवर जो ना मैच में ओवर टिक जाए तो जो ना ये डेंजरस हो सकते हैं बल्तिस्तान के लिए। मंजूर ने आते ही जो ना अपना विकेट निकाला है। 3rd ओवर का खेल शुरू है और खेलना चाह रहे थे, एम्पायर का इशारा वाइट। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, मंजूर डोना शुरू किया है और खेला है लेग्सटम से बाहर गेंद। चौदह रन स्कोर हुआ है और 4 विकेट के नुकसान पर रेड जुबली, और खेला है 6 रन के लिए पहला छक्का। कप्तान शेरुल्लाह के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 3rd ओवर। शेरुल्लाह एक ऐसा प्लेयर है कि ग्राउंड की चारों तरफ बाउंड्री से मारने की सलाहियत रखते, और खेला है ऊंचा खेला है और फील्डर गेंद के नीचे है और ये दोनों फील्डर के बीच में गिरा है। चांस 2 रन लेने में कामयाब, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। तीसरा ओवर का खेल जारी है, इससे पहले खेले गए मैच में बल्तिस्तान सेंगे को करगिल ने 3 विकेटों से नुकसान 3-2 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में पहला कामयाब। और अदर सिक्स, एक और 6 रन के लिए एक और 6। इस ओवर में 2 छक्का मारने में कामयाब शेरुल्लाह, 2 छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। शेरुल्लाह माशाल्लाह एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो थोड़ा सा टिक गया तो बड़े लंबे लंबे छक्के मारने के लिए महारत और है रखते हैं। और ये ऊंची गेंद थी, हेड पे लगा है और ये ओवर थ्रो, एक और 2 रन लेने में कामयाब, 2 रन लेने में कामयाब। 3rd ओवर के अख्ताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। नया नया बॉलिंग चेंज किया है, नया आने वाला बॉलर है, अच्छा सामना करेंगे रहमत। खेला है और सीधा कप्तान के छोड़ दिया है, कप्तान रजा ने कैच ड्रॉप कर दिया है, इससे पहले भी एक कैच छोड़ा था कप्तान रजा ने, आसान कैच छोड़ दिया है मोहसिन की पहली गेंद पे।
पहली गेंद पे। और जिस नाजरीन को ये अपडेट करता चलो कि इस वक्त बिल्कुल बल्तिस्तान सेंगे मैच के ग्रिफ मजबूत किया हुआ, जिस तरह बल्तिस्तान सेंगे ने के साथ हुआ है करगिल ने, इसी तरह बल्तिस्तान इलेवन ने रेड जुबली के साथ किया हुआ है। शेरुल्ला सामना करेंगे मोहसिन का, खेलना चाह रहे थे, टॉप पे लगी है और एक रन का इजाफा। जी नाजरीन मैच नंबर 13 सॉरी मैच नंबर 12 रेड जुबली बमुकाबला बल्तिस्तान सिंह है। चार विकेटों के नुकसान, चार ओवर के अख्ताम पर स्कोर बनाया है 35, चार विकेटों के नुकसान पर खेलना चाह रहे थे, लेग स्टंप से बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड। मोहसिन चौथा ओवर कराने के लिए तैयार, दौड़ना शुरू किया है मोहसिन, एम्पायर क्रॉस की गेंद की ओर एक खेला है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, आसानी से दो रन ले सकते हैं और दो रन लेने में भी कामयाब, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन।